Hello students, welcome to Cognitive. So now we'll discuss about noun. आज हम लोग discuss करेंगे noun के बारे में कि noun क्या है. वैसे previous class में मैंने आपको बताया था कि noun क्या होते हैं. What is noun? तो मैंने आपको क्या बताया था कि noun means naming of any person, place or thing. और इसके बाद मैंने एक और example आपको दिया था कि noun जो है, जो भी चीज हमारी life में exist करती है, चीज एग्जिस्ट करती है, वो क्या है? वो नाउन है. डियर स्टूडेंट्स, नाउन क्या है? जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो नाउन है. मैंने आपको बताया था, मैं ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है. पेपर में जब हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं. मान लीजिए अगर इग्नोर दिया हुआ है और इग्नोरेंस दिया हुआ है, अब आप बैठ करके थिंक करेंगे कि इग्नोर इग्नोरेंस में नाउन क्या है, ठीक है, ब्रेव ब्रेवरी में नाउन क्या है. तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भी चीज होती है वो नाउन है. अगर बॉय लिखा है और बॉयश लिखा हुआ है, ठीक है, बॉयश, ठीक है, तो इन दोनों में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि नाउन क्या है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज करना होता है अपने माइंड में. तो वो क्वेश्चन क्या होगा, उस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नाउन क्या है. तो नाउन क्या है? जो चीज है वो नाउन है. तो चीज कैसे, बॉय क्या है? देखिए एक एग्जांपल मैं दे रही हूं आपको. बॉय क्या है? एक लड़का है. और बॉयश क्या है? बॉयश, ठीक है, तो वो क्या है? वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है. तो यहाँ पे बॉय नाउन हो जाएगा, यानी वो एक चीज है तो वो नाउन है, ठीक है. और बॉयश क्या है? वो एडजेक्टिव क्लियर करेगा. तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिविजन मैंने आपको बताया था कि 8 पार्ट्स में डिवाइड है पार्ट्स ऑफ स्पीच. और 8 पार्ट्स में जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है. और जिसमें नाउन के बारे में बताया कि नाउन में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि नाउन होता क्या है. तो नाउन क्या होता है? तो फर्स्टली इफ यू आर टू से अबाउट डेफिनेशन, देन यू विल से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट. बट अगर आपको अपने तरीके से समझना है कि नाउन क्या है, तो आप इसे आइडेंटिफाई बहुत ही इजीली कर सकते हो. इसे आइडेंटिफाई करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन रेज करते हैं अपने माइंड में कि ये क्या चीज है. जो भी चीज हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, जिसका जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है. तो ये जो मार्कर्स हैं, ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या ये नाउन है ना, ये चीज है, ये भी नाउन है, ठीक. अब मान लीजिए हमारे मन में कोई फीलिंग्स है, ठीक है, तो ये भी नाउन है, लेकिन ये भी एक चीज है ना. देखिए हेट, अगर मैंने आपसे बात की हेट, तो ये क्या है? ये कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमारे फीलिंग्स इमोशंस को शो करेगा, लेकिन इसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम फील कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है. तो ये भी नाउन की कैटेगरी में आता है. तो कल मैंने आपको और भी बताया था कि काइंड्स ऑफ नाउन बताए थे. तो काइंड्स ऑफ नाउन मींस कितने पार्ट्स में नाउन को डिवाइड किया गया है. तो 5 डिवीजन है. कौन कौन से? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन मटीरियल नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, ठीक है. तो हम मैंने आपको इन चीजों के बारे में बताया कि प्रॉपर नाउन होते क्या है. प्रॉपर नाउन मीन्स कि जब हम किसी को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एक नेम दे दें, नेमिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट, ठीक है. जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. तो प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया. जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है भावना, मान लीजिए मैंने लिखा है भावना, और यहाँ पे मैंने लिखा गर्ल, ये लिखा, तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे क्लियर करेंगे? तो क्लियर करने का एक मेथड है कि कौन सा नाउन है. देखिए गर्ल क्या है, इसे सारी लड़कियों को लोग क्या बोलेंगे? गर्ल बोलेंगे. यानी अगर आपको कोई भी फीमेल दिख रही है आप उसे गर्ल बोलेंगे या फिर विमेन बोलेंगे. तो सब यानी सभी को आप वो बोलेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा. लेकिन जब आपने उस गर्ल को नेम दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन. और एक बात और है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं, आपको इसे स्मॉल लेटर से नहीं लिखना है, ठीक है. तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन और गर्ल हो गई आपकी कॉमन नाउन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? जो हमारी फीलिंग्स होंगी,
ठीक है, या कोई स्टेट ऑफ एक्शन है तो वो क्या होगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, लव, लाफ्टर, हेट, एंगर। ठीक है, लव, लाफ्टर, हेट, एंगर। आपको गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए यू आर गेटिंग एंग्री नाउ दिस टाइम, देन कैन यू सी इट, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे नहीं देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये सारी चीजें हम फील कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू लव समवन देन क्या आप इसे किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 1 kg है, नहीं 1 quintal है? ठीक है, नहीं कर सकते आप। जब आप इसका कभी इसे डिस्क्राइब नहीं, आप सिर्फ इसे फील कर सकते हैं कि हमारी, मान लीजिए आपकी मदर है, आपको आपको कितना लव करती हैं, तो देन वो इसे वर्ड्स में डिस्क्राइब जरूर कर सकती हैं, लेकिन आप इसे क्या करोगे या हम इसे फील कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वो क्या था, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, देखिए जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, मैंने रॉ मटेरियल्स की बात की है, ठीक है, मेड मटेरियल्स की बात नहीं की, रॉ मटेरियल्स से मिलके बने हुए मटेरियल्स की बात नहीं कर रही, मैं रॉ मटेरियल्स की बात कर रही हूँ। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हमारे क्या है, मटेरियल नाउन। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स देकर के आपको क्लियर करती हूँ। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, गोल्ड है, देन मैंने लिखा टेबल। अब समझिएगा, आप गोल्ड लिखा है, फिर मैंने टेबल लिखा है, देन मैंने लिखा है गोल्ड टेबल। गोल्ड क्या है बताइए, गोल्ड क्या है? अभी जब तक इससे ज्वेलरी नहीं बनी है डियर स्टूडेंट, जब तक इससे ज्वेलरी नहीं बनी है तब तक ये क्या है, ये आपका मटीरियल नाउन है, ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जो रॉ मटेरियल के रूप में हमें हमने गेट किया है, ठीक है, वो क्या है हमारा, मटेरियल नाउन। तो देखिए जब हम इस पे बात करते हैं तो गोल्ड क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड से ज्वेलरी बन गई, ठीक है, अगर गोल्ड से ज्वेलरी बन गई तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी, ज्वेलरी बन गई तो ये आपके इस कैटेगरी के नाउन से हट करके दूसरी कैटेगरी को टच करेगा, ठीक है। ज्वेलरी है तो आप इसे कॉमन बोल दोगे, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो अगर जैसे मारे टेबल बोला तो टेबल भी मटेरियल नाउन है, बताइए एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं कि टेबल जो है वो कौन सा नाउन है, तो बताइए टेबल कौन सा नाउन है। तो टेबल हमारा जो है ये मटीरियल नाउन ना हो करके, ठीक है, टेबल हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन होगा? बिकॉज ऑफ दैट सब कोई टेबल को टेबल ही बोलेगा, ना कि आप टेबल को बोलेंगे ये मटेरियल। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे वुड लिख दिया, ठीक है, WOOD, ठीक है, WOOD अगर मैंने इसे लिख दिया तो WOOD ये क्लियर कर रहा है कि ये आपका रॉ मटेरियल है और इस रॉ मटेरियल की हेल्प से टेबल बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वुड जो हो जाएगा वो क्या है आपका, मटीरियल नाउन। देन जो टेबल है, टेबल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो आपको मुझे लग रहा है कि डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। देन हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अब देखिए कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वायर ऑफ सिंगर्स, ठीक है, पुलिस, आर्मी, ठीक है, मैं आपको भी 2 examples दे रही हूँ। तो ये क्या है, हम जो आर्मी को बोलते हैं तो हम इसका, देखिए आर्मीज नहीं बोलेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे आर्मी बोलेंगे। तो आर्मी जब हम बोलेंगे तो ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। अ नाउन दैट डिनोट्स ग्रुप इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। ये पुलिस क्या है, ये भी देखिए, पुलिस का पूरा अगर ग्रुप है तब भी हम उसे पुलिस बोलेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन खड़ा हुआ है तो हम उसे पुलिसमैन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, उसे पुलिस भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टिव नाउन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मी, पुलिस। और इसमें मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स दूंगी कि और क्या क्या होते हैं, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे क्वायर ऑफ सिंगर्स, तो सिंगर्स का जो ग्रुप होता है ना उसे बोलते हैं क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, फर्दर क्लासेस में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और अब मैं आप
आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी कि जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कल प्रीवियस क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियर किए हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। इसमें आपको बताना है कॉमन नाउन का कॉम्बिनेशन कहां पर है या कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें दिया है फर्स्ट क्या है, टॉय मूवी कार वॉच, टॉय मूवी कार वॉच, देन चॉकलेट स्कूल टीचर डेंजर, देन डिस्पेयर डिवोशन पेपर फ्लोर, देन गार्डन ब्रिज बॉटल एग्रेशन। अब देखिए इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन नाउन क्या है। देखिए टॉय है, टॉय लिखा हुआ है तो टॉय को हम टॉय ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसे इसे नेम दे दिया तो फिर वो प्रॉपर नाउन पे आ जाएगा। तो टॉय क्या है, आपका कॉमन नाउन है, ठीक है, ये सही है। फिर मूवी क्या है, मूवी भी आपका कॉमन नाउन है। कार क्या है, कार भी कॉमन नाउन है। वॉच है, वॉच को भी हम सब वॉच ही बोलते हैं। तो ये तो भाई फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्लियर हो रहा है कि ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। लेकिन अब कैसे आप फाइंड करेंगे कि चॉकलेट भी देखिए कॉमन नाउन है, स्कूल भी कॉमन है, टीचर भी कॉमन है, लेकिन जो डेंजर है, देखिए डेंजर अगर कहीं पर भी डेंजर लिखा हुआ है तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि डेंजर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये देखिए ये ग्रुप में जो एक वर्ड लिखा हुआ था इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए डिस्पेयर डिवोशन पेपर फ्लोर, देखिए इससे क्लियर ये हो रहा है ये जो डिस्पेयर डिवोशन दिया गया है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देन गार्डन ब्रिज बॉटल एग्रेशन, ये भी एक एग्रेशन, देखिए गार्डन और ब्रिज बॉटल ये तो आपके कॉमन नाउन है लेकिन इसमें जो एग्रेशन वर्ड एड है ये आपका कॉमन नाउन नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे और ये बहुत इजी होगा फाइंड करना। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन में, नाउन की जो टाइप्स है, जो काइंड्स है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा और कौन किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो टॉय मूवी कार वॉच ये जो ऑप्शन है आपका ये क्या क्लियर कर रहा है कि ये सारे कॉमन नाउन है, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इज कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कॉमन नाउन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसा कौन सा ग्रुप है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, कॉम्पिटिशन प्रमोशन डेल्यूजन शैडो, देन नेक्स्ट क्या है, एम्बिशन एनिमोसिटी ऑडेसिटी क्लेवरनेस, थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंस रिवर इग्नोरेंस, देन क्या है, फ्रस्ट्रेशन ह्यूमिलिटी हंगर टेबल। तो कैसे आप करेंगे, देखिए इसमें भी आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा कि देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें रिवर रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है रिवर, तो रिवर क्या है ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। देखिए ये टेबल है ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ पे ये शेडो है, शेडो क्या है ये आपका शेडो आपका अदर नाउन को क्लियर, ये आपके अलग नाउन को क्लियर कर रहा है। यानी क्या है आप, अब आप इसकी बात करते हैं एम्बिशन की एनिमोसिटी की ऑडेसिटी की क्लेवरनेस की। तो देखिए एम्बिशन एनिमोसिटी ऑडेसिटी क्लेवरनेस ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, क्योंकि इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इन सारे वर्ड्स को हम क्या करते हैं फील कर सकते हैं। अब क्लेवरनेस की बात करते हैं, कोई कितना क्लेवर है इसे तो आप सिर्फ फील कर सकते हैं ना। तो फिर उसके ऑडेसिटी की बात करते हैं, एनिमोसिटी की, एम्बिशन की बात करते हैं, एम्बिशन आपका कितना हाई है ये सारी चीजें हमें फील करने से ही पता चलेगी। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है कि एब्स्ट्रैक्ट कैसा भी क्वेश्चन दिया हो आपसे, सिर्फ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। अब देखिए इसे फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है, अब आपको सारे वर्ड्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको बस पता होगा कि ठीक है कॉमन नाउन क्या होगा। देखिए टेबल से क्या क्लियर हो रहा है, टेबल है आपका कॉमन नाउन। अब जब टेबल कॉमन नाउन है तो यहीं से आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन यहाँ पे रिवर आ गया, रिवर भी आपकी का कोई क्या है, ये भी आपका एक कॉमन नाउन, सॉरी ये आपका ये भी कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इससे हम क्लियर करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये टू क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नाउ विल मूव फॉर द क्वेश्चन, लाइक अ कॉमन नाउन इज, कॉमन नाउन इज, कॉमन नाउन क्या है। इसमें इन ऑप्शंस में से आपको फाइंड करना है कि कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है, सॉरी कॉमन नाउन की डेफिनेशन बताइए कौन सी है। नेम्स एनी पर्सन प्लेस और थिंग
या नेम अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग. नेम्स थिंग्स यू कैन सी और टच. नेम्स आइडियाज क्वालिटी और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच. ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड करना है और आपको इसका आंसर बताना है. तो कैसे हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसमें क्या है, नेम्स आइडियाज क्वालिटी और फीलिंग्स. क्वालिटीज लिख लीजिएगा, क्वालिटीज आइडियाज क्वालिटीज और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच. जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते. तो आपको पता है ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं. सॉरी, ना देख सकते ना टच कर सकते, ओनली वी कैन फील इट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. नेम थिंग्स दैट कैन सी और टच, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन है. फिर उसके बाद नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग. किसी भी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग को जब आप नेम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है सिटी, और सिटी को आपने नेम दे दिया रायबरेली, आर ए बी ए आर ई एल आई. ठीक है, या फिर सॉरी आपने दे दिया इसे नेम, मान लीजिए दिल्ली दे दिया. ठीक है, दिल्ली दे दिया. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक किसी किसी प्लेस को डिनोट करेगा. आपने एक गर्ल है उसको नेम दे दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक जेंडर को डिनोट करेगा. अब देखिए किसी भी, तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा. नेम एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज कॉमन नाउन. किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग को जिस भी चीज से हम डिफाइन करते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन. तो ये आपको क्लियर हो गया, इन एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट कैटेगरीज ऑफ नाउन. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या है. ठीक है, यानी काइंड ऑफ नाउन पढ़ा एंड नाउन पढ़ा. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ नाउन. तो कैटेगरीज ऑफ नाउन, तो नाउन को टू कैटेगरी में है. फर्स्ट इज अनकाउंटेबल एंड सेकेंड इज काउंटेबल. फर्स्ट इज अनकाउंटेबल एंड सेकेंड इज काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं. सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं. और दूसरी चीज, आप इसका प्लूरल भी मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्टली केसेस में क्या होगा, इनका प्लूरल नहीं बनेगा. लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन आप अपने माइंड में इसे सेट करिए, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते. जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जैसे लिखा है हेयर, H A I R, मैंने लिखा हेयर्स, मान लीजिए मैंने लिख दिया. तो ठीक है, आप इसे क्या काउंट कर सकते हैं, आप इसे काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये S जो लगा हुआ है ना वो गलत हो जाएगा. ठीक है, इसका प्लूरल भी नहीं बनता है. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स व्हिच वी दैट वी कैन नॉट मेक प्लूरल. ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं. ठीक, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस के इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, तो वो मैं आपको आगे की क्लास में डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते हैं, काउंटेबल नाउन. अभी हमने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए हेयर, एडवाइस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, लगेज, लगेज, हेयर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोइट्री, पोइट्री, सीनरी, सीनरी. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे, हेयर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोइट्री, सीनरी. मीन्स अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन है जिनका आप प्लूरल नहीं बनाते हैं, या जिनका प्लूरल नहीं बनता है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो क्या आप ये बताइए, इन्हें आप काउंट कर सकते हैं, हेयर को आप काउंट कर सकते हैं, तो आज आप काउंट करके चेक करिएगा. ठीक है, फिर उसके बाद एडवाइस है, इनका भी हम क्या करेंगे, प्लूरल नहीं. एडवाइसेस अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो वो आपका रॉन्ग होगा. ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला आई हैव गॉट मेनी इन्फॉर्मेशन, देन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं ये क्या है, ये रॉन्ग है. फिर उसके बाद लगेजेस भी नहीं होता है, लगेज होता है, पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री होगा, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन. तो रूल नंबर फर्स्ट में आप लिख लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन
जैसे मान लीजिए हेयर्स, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, हेयर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये हुआ एग्जाम्पल। तो हेयर्स आर इम्पोर्टेंट अगर लिख के आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, ये हेयर्स नहीं होगा। यहाँ पे एरर कहाँ पे, हेयर्स में, और आर भी नहीं होगा, क्यों? अभी मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हेयर्स का हेयर कर देंगे और यहाँ पे इज हो जाएगा, हेयर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशंस, तो यही से आप क्या करोगे, आप बताओगे यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। देन अब हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज नोन एज काउंटेबल नाउन, एंड वी कैन ऑल्सो मेक प्लूरल ऑफ काउंटेबल नाउन। देखिए मतलब मैंने ये कहा कि काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, जिन्हें हम इजिली काउंट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास टू मार्कर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास दो मार्कर हैं। अब हम इन्हें मार्कर, इन टू मार्कर्स, देखिए यहाँ पे क्या, हम इन्हें हमारे पास बहुत सारे मान लीजिए मार्कर्स है, तो हम इससे क्या बोलेंगे, मार्कर्स, ठीक है, समझ में आया। तो काउंटेबल नाउन क्या है, ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल भी बना सकते हैं और इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेन है, पेन है, बहुत सारी पेन्स रखे हो, आप उन्हें पेन से डिनोट करें, उन्हें काउंट भी कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन क्या होंगे, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं और जिनका प्लूरल भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे काउंट कर सकते हैं, सेकेंड में क्या, इनका प्लूरल भी इजिली हम बना सकते हैं। अब आपको अगर फाइंड आउट करने के लिए आए कि बताइए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, मान लीजिए मैंने लिखा है पेंसिल्स और फिर मैंने लिखा है लगेज, 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 तो इसमें बताइए काउंटेबल नाउन कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है। तो क्लियर हो रहा है पेंसिल है, आपको इसे बहुत ज्यादा क्रैम करने की या रटने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा यस वी कैन इजिली काउंट पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, हम काउंटेबल बोलेंगे। और लगेज क्या है, लगेज ये अभी मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो लगेज क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन। तो मुझे लग रहा है आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए अगर मैंने आपको दिया शी हैज गिवेन, she has given an advice, मान लीजिए मैंने इसे लिखा an advice, ठीक है, an advice, she has given an advice। तो देखिए यहाँ पे आप बताइए कहाँ पर मिस्टेक है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम मिस्टेक, तो सबसे पहले देखेंगे एडवाइस आया हुआ है, advice, ठीक है, एडवाइस आया हुआ है, तो हम इस एडवाइस को देखेंगे कि ये क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जब हम ये अनकाउंटेबल, हमें पता है कि ये वी नो अबाउट इट दैट इट इज अनकाउंटेबल नाउन, देन कैसे हम इसमें आर्टिकल यूज करेंगे, हम तो आर्टिकल इसमें यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो एन हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है, ये है शी हैज गिवन एडवाइस, ठीक है। अगर आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आप लिखेंगे, आप इसका ऐसे तो प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन आप ऐसे बना सकते हैं पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। देन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैटेगरीज ऑफ नाउन में क्या आते हैं। और नेक्स्ट, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, तो प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं, देखिए क्लियर करते हैं। प्रीफिक्स वो होते हैं जो भी किसी वर्ड के पहले लगते हैं, ठीक है, और सफिक्स क्या होते हैं, जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एच डबल ओ डी टी आई ओ एन, ठीक है, एच डबल ओ डी टी आई ओ एन। तो यहाँ पे जो है अगर मैंने एक वर्ड लिया, एक नाउन लिया ब्रदर,
brother, ब्रदर, और मैंने इसके पीछे जो सफिक्स लगा दी HOOD, ठीक है, तो ये क्या किसको डिनोट करेगा, ये HOOD सफिक्स है और इससे मिलकर के हमारा बनता क्या है, नाउन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि प्रीफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं, पहले लगते हैं, किसी भी वर्ड के जो पहले लगते हैं उन्हें हम बोलेंगे प्रीफिक्स। लेकिन बेसिकली नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डिवोशन, डिवोशन, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनसे मिलकर के आपके वर्ड्स बनेंगे और ये आप क्लियर करेंगे एग्जाम्स में। अगर क्वेश्चन आएंगे किसी भी वर्ड के लास्ट में ANCE लिखा हुआ है, ENCE लिखा हुआ है, तो आप इसे बहुत इजिली पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ANCE मैंने दिया, ENCE लिख दिया, जैसे रिमेम्बरेंस हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी आपके नाउन्स होंगे। ओके, आज की क्लास में मैंने आपको क्लियर किया कि नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं, काइंड्स में मैंने आपको इलेबरेट किया कि उन काइंड्स के बारे में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, देन मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज क्या होते हैं नाउन की, नाउन की कैटेगरीज क्या है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कैसे नाउन्स होते हैं, काउंटेबल नाउन्स उन नाउन्स को बोलते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, इजिली हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और आप लोग ठीक है इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, रूल नंबर फर्स्ट है क्या है, रूल वन, रूल नंबर फर्स्ट है, ऐसे कुछ नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है, और इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका प्लूरल नहीं बनता, और इनके एग्जांपल्स लिखेंगे, इनके एग्जांपल्स लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, लगेज, लगेज, पोइट्री, सीनरी, लगेज, पोइट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, 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 देन लगेज, पोइट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज, नॉलेज, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इन नाउन्स का हम प्लूरल, और भी ऐसा नहीं है कि बस यही है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन जो अनकाउंटेबल है, तो आपको बोल करके चेक करना है कि कैसे कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में अगर इनका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। कहीं पर भी अगर पोइट्रीज दिया गया है तो देखिए हम इसको पोइट्रीज रॉन्ग हो जाएगा, पोइट्री होगा, लगेजेस दिया है लगेज हो जाएगा, सीनरीज दिया गया है सीनरी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया गया इंफॉर्मेशन हो जाएगा, एडवाइसेस दिया है तो वो गलत होगा, एडवाइस होगा, नॉलेज दिया है, अगर नॉलेज दिया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मतलब क्या है, रूल नंबर फर्स्ट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन्स का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है, थीके? और इन्हें हम हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हैं। और एक और चीज आप लोग लिख लीजिए कि जो भी मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका भी हम क्या करेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे गोल्ड लिखा है तो क्या गोल्ड आर होगा, नहीं, गोल्ड इज होगा, ठीक, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नाउन्स से रिलेटेड कितने रूल्स हैं, क्या हमें पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं, नाउन क्या है, नाउन के काइंड्स क्या हैं, नाउन को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो नाउन किसी भी पर्टिकुलर
पर्सन प्लेस थिंग को हम जब नेम दे देते हैं, उसे नेमिंग करते हैं, वो नाउन है, ठीक है। इसका डिवीजन काइंड्स कितने टाइप्स के, कितने काइंड्स के नाउन होते हैं, तो नाउन के काइंड्स में मैंने बताया 5, ठीक है। तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, तो ये हमारे नाउन के क्या, नाउन के काइंड्स हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि नाउन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जब हमें कैटेगरीज के बारे में समझना होगा, तो कैटेगरीज मैंने आपको बताया काउंटेबल, कैटेगरीज ऑफ नाउन में काउंटेबल नाउन, देन अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें नहीं काउंट कर सकते। देन मैंने आपको बताया रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या, अनकाउंटेबल नाउन्स को का मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, देन इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेंस में होंगी।